नमस्कार, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और खबर विशेष लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश, योगी का उत्तर प्रदेश, जहां कभी माफियाओं का बोलबाला था वहां कानून का राज है। माफियाओं का ये हाल हो गया है कि जिस सरकार को वो अपनी जूती की नोक समझते थे आज उसी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन ये योगी राज है, योगी प्रशासन दो मोर्चों पर माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आज नजर आ रही। एक तरफ माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, 1,28,00,00,000 की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के नजदीकियों की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुसीबत बढ़ती जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के दूसरे साले से पूछताछ की तैयारी चल रही है। अनवर शहजाद से ईडी जेल में पूछताछ करने वाली है। तो योगी के शासन काल में माफियाओं पर अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। पिछली सरकारों में इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों देखने को नहीं मिली, इन तमाम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलडोजर के आगे नहीं बचेंगे टॉम। यूपी में माफियाओं का गेम ओवर। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अतीक अहमद की 1,28,00,00,000 की संपत्ति आज कुर्क की जा रही है। दरअसल माफिया की बेनामी संपत्ति की पुलिस को जानकारी मिली थी। जूसी के हवेलिया में माफिया के परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर यह संपत्ति है। इसके अलावा कसारी मसारी में भी 6,60,00,000 की संपत्ति चिन्हित की गई है। पुलिस ने संपत्ति की कुर्की के लिए डीएम से अनुमति मांगी थी। डीएम की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस आज कुर्की की कार्रवाई कर रही है। माफिया अतीक अहमद की अब तक की 5 अरब की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इस कार्रवाई के बाद अब कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 6 अरब से ज्यादा हो जाएगी। दिन में ये सबसे बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ होगी। हालांकि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला 2018 से लगातार जारी है और लगातार संपत्तियों को चिन्हित करके प्रयागराज पुलिस और प्रशासन उनकी कुर्की कर रहा है और 58 ऐसी इमारतें हैं जिनको जमींदोज किया है पीडीए ने। एक तरफ अतीक की बेनामी संपत्ति पर लगातार यूपी पुलिस का बुलडोजर कहर भर पा रहा है, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर 2 हफ्ते तक पूछताछ की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सरजील के बयान में तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जिनकी पुष्टि के लिए अनवर शहजाद से पूछताछ करना जरूरी है। तो ईडी को उम्मीद है इस पूछताछ से जो ये पूरी जांच है उसमें जो जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस तरह से पैसे की लेन देन हुई है, बड़ी संपत्तियां बनाई गई, उनका जवाब मिल जाएगा और उसी आधार पर ईडी इस मामले में दोषियों को सजा दिला पाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। 1,28,00,00,000 की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई चल रही है। झूसी के हवेलिया में रिश्तेदारों के नाम पर यह संपत्ति थी और अतीक की अब तक 5 अरब की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। तो प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए जो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। मानवेंद्र, अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह पूरी कार्रवाई होनी है। और आप देखें तो ये 13 बीघे का बाग है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स के लोग हैं, पीएससी के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग अधिकारी हैं, इसके अलावा राजस्व विभाग के हैं और प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में फोर्स, पहली बार हमने देखा कि कुर्की में इतनी बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और पीएससी लगाई गई है। तो 1,28,00,00,000 की यह संपत्ति है, 13 बीघे का ये पूरा बाग है जहां तक हमारी नजर जा रही है। आप देखें तो ये बबूल का झाड़, यहाँ पर बबूल का बाग दिखाई दे रहा है और जिस तरह से संपत्ति को चिन्हित किया था राजस्व विभाग ने, उसके बाद डीएम प्रयागराज ने अनुमति दी थी और उसके बाद ये कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकायदा ढोल यहाँ पर पिटवाया जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर में जब अधिकारी पहुंचेंगे तो बाकायदा उसकी सूचना दे दी जाएगी। एक बोर्ड लगाया जाएगा, जो संपत्ति है उसको कुर्क कर दिया गया है। तो आप देखें ये बड़ा बाग है, इसमें बबूल के पेड़ लगे हैं और एक कहावत ये भी है कि पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहां से आए। तो वैसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहां पर
जो फोर्स के लोग हैं, इसके अलावा कुर्की की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ा बाघ झूसी के हवेलिया में है, इसको चिन्हित किया था राजस्व विभाग ने और प्रशासन ने, उसके बाद अनुमति मिल चुकी है डीएम की और बाकायदा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। जो बोर्ड है उस पर सूचना अंकित की गई है, ये संपत्ति अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और तमाम लोगों के नाम पर है, एक तरह से बेनामी संपत्ति है। लेकिन कार्रवाइयों का दौर जारी है और जिस तरह से अतीक अहमद ने हाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और ये कहा था कि वो बहादुर हैं, ईमानदार हैं और निडर हैं, लेकिन वो तारीफ भी अब काम नहीं आ रही है, कार्रवाई जो है ठीक है मानवेंद्र, कहीं ना कहीं तारीफ अब काम नहीं आ रही है और अब तक का सबसे बड़ा एक्शन अतीक अहमद के खिलाफ देखने को मिल रहा है। मानवेंद्र आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे सवाल भी हैं कि पिछली सरकारों में इस तरह का एक्शन इन माफियाओं पर आखिरकार देखने को क्यों नहीं मिला, क्या पुलिस को इतनी छूट नहीं थी, तमाम सारे सवाल हैं, उनको इस सवालों का जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा एडवोकेट कपीर श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इनसे भी बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि इनके शासनकाल में आखिर इन माफियाओं पर ऐसा एक्शन देखने को क्यों नहीं मिला। इसके अलावा अशोक पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल अरविंद जैन जी आपसे है, पिछली सरकारों में देखा गया जिस तरह से इस सरकार में माफियाओं के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, इस तरह का एक्शन पिछली तमाम सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इतना बड़ा एक्शन माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, छोटे क्रिमिनल्स के खिलाफ कभी भी देखने को नहीं मिला। कोई दो राय नहीं कि जो माफियाज के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बेनामी संपत्तियां भी अटैच की जा रही हैं, कुर्क की जा रही हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नितांत आवश्यक था, क्योंकि ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत ये पावर्स हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से या सस्पेक्टेड क्राइम प्रोसीड से जो प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, ये कहां से इसकी धनराशि उपलब्ध हुई, मनी लॉन्ड्रिंग करा के किया गया, तो उसके तहत ये संपत्तियां जब्त हो रही हैं। इनको कर पाना अन्यथा सामान्य एक्ट के तहत संभव नहीं था। गैंगस्टर्स एक्ट में भी इसमें दिक्कत आती है, परेशानी खड़ी होती है। तो जो कार्रवाई हो रही है ये स्वागत योग्य है और अगर क्राइम प्रोसीड्स है तो इनको जवाब देना होगा कि कहां से ये धनराशि आई। हर व्यक्ति जिसके नाम प्रॉपर्टीज हैं उनसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके लिए आपके पास पैसा कहां से आया, कहां से आपने इन्वेस्ट किया और कैसे ये इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। तो ये जो कार्रवाई हो रही है इसका एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में और अपराधियों के खिलाफ निरंतर इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। सर एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आप सेवा में भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज पुलिस एक्शन ले रही है माफियाओं के खिलाफ, क्या उस तरह का एक्शन पहले माफियाओं पर लेने में कोई दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते थे। आपने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया और वजह यही है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड कर लेती है और चीफ मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, जब उनके ऑर्डर्स हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। इसका लाभ ये भी पुलिस को मिल रहा है कि सारे विभाग एक समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सब मिलकर ये जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है कपीर जी, मुस्कुरा रहे क्योंकि आज एक सबसे बड़ा एक्शन अतीक अहमद पर देखने को मिल रहा है, उनकी भी सरकार रही है, इस मुस्कुराहट का क्या राज है कपीर जी? हास्यास्पद चीजें हो रही। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि जो अभी जैन साहब ने एक बात कही कि पार्टियों में संबंध रहे हैं वो आप भी जानते हम भी जानते, चीज ये है कि पार्शियल कार्रवाई आप किसी पे करें तो वो एक अलग की बात है। आपने ब्रिजेश सिंह पे क्या कार्रवाई, धनंजय सिंह पे क्या कार्रवाई, ये लोग नहीं है क्या? और 80 ऐसी अपराधियों की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय बने हुए हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई एक बार गोमती नगर में भी करा के देख लीजिए, तमाम लोग हैं वहां, आईएएस पीसीएस और सारे आईपीएस नेता किसी भी पार्टी, करा के देख लीजिए। लेकिन कभी भी एक्शन तो आखिरकार हो रहा है, कम से कम तो एक बात नहीं, एक्शन तो लिया जा रहा है ना? ना 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 एक्शन नहीं है, सुन ले मेरी बात,
ये तो परिवर्तन के अंतर्गत जो चीजें की जा रही हैं वो उनका अधिकार मिला हुआ, वो आरोप लगा रहे हैं। बेनामी संपत्ति की परिभाषा क्या है? प्रूफ हो जाएगा क्या? प्रशासन आरोप लगाता है कि प्रशासन न्यायालय बन ठीक है अशोक जी। और ये जब्तीकरण की सुन लीजिए पहले, जब्तीकरण की कार्रवाई को अटैचमेंट की कार्रवाई बिल्कुल मत कहिएगा। न्यायालय का कोई आदेश नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये संपत्ति अटैच की जा रही है, क्योंकि बेनामी संपत्ति है, उसका उपयोग किसी भी तरीके से राजस्व अनुभाग या उत्तर प्रदेश कर सके। इसलिए ये कार्रवाई एक फौरी कार्रवाई है। सवाल आपसे चुकी है, मात्र आरोप है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी अशोक जी, देखिए आज प्रदेश की जनता जय जयकार कर रही है कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अतीक और मुख्तार महात्मा गांधी बन के घूम रहे थे, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था जिस सरकार में, आज दिखाई दे रहा है अरबों की बेनामी संपत्ति। और पूछा जाएगा कहाँ से आई, मालूम है, बात ना कीजिए, मालूम है कहाँ से आई, आज तक आपने कहाँ से आई और कितने रुपए की 6 वर्षों में प्रॉपर्टी हर्ष का विषय है। आप जबरदस्ती किसी की भी प्रॉपर्टी को रही है, प्रॉपर्टी पे भी लगा दीजिए, श्रीवास्तव को खराब लगेगा, केस चल रहा है, यूपी से आपकी कामयाबी नहीं है, आपकी जातियां हो रहा है। अभी आपने सिर्फ आरोप लगाया है, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, जिन लोगों ने पहले सरकार चलाई है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 6 वर्ष में आपने कितनी संपत्तियां जिनको आरोपित किया बेनामी है, उनको आपने कोर्ट से अटैच कराया, बेनामी संपत्ति मिला, इस बात का द्योतक है, इन लोगों का अगर ऐसी आप बोलते रहेंगे तो किसी की भी बात क्लियर नहीं समझ में आएगी। एक एक करके कपीर जी हम आपके पास आएंगे। मैं यार अशोक जी अपनी बात पूरी करिए, कपीर जी मैं आपके पास आऊंगा। बता दें कि 6 वर्षों में कितनी संपत्तियां जो इन्होंने कुर्क की थी वो न्यायालय से अटैच करा के गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की बना। ठीक है जवाब तो देने दीजिए ना अशोक जी, तो जवाब तो देने दीजिए ना कपीर जी। जब हमने विकास दुबे का ठीक है कपीर जी, आपने सवाल पूछ लिया अब उसका जवाब तो देने दीजिए। बीच में अगर बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आई। मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टियां अटैच कराई ये बताइए मुझे। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि ये वही लोग हैं कपीर श्रीवास्तव जैसे लोग जो विकास दुबे के काउंटर पर कहते हैं ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ये वही लोग हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। आप बीच में बोले साहब, ये खाली हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे आपके पास आएंगे ना, आपको भी समय दिया जाएगा ना। उत्तर प्रदेश सरकार के पास कानून के पास कराया कि नहीं कराया, और 6 वर्षों में अगर आपने 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कराई है तो आप मुझे बताइए आप बिल्कुल जब्त करेंगे कार्रवाई। सारी प्रॉपर्टियों को हमने जब्त किया है, हमने जिंदगी खत्म की है, हमने बुलडोजर चला के इन लोगों की कब्र को तोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आप गुंडई का अपना राजनीतिकरण बैठे बैठे कर रहे थे ना, हमने उस गुंडई को खत्म किया है। जब्त करने का कोई और आप इसी लेकिन कपीर जी उत्तर प्रदेश से कपीर जी 2022 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा था, आपकी सरकार भी आई, आपका भी शासन रहा, उस वक्त क्यों कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, क्यों इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया? 2014 में तो आपने अतीक अहमद को श्रावस्ती से टिकट भी दिया था। देखिए एक बात हम आपको कह रहे, तो ब्रजेश सिंह को भी दिया था, चलते थे इब्राहिम के, ये जब चलते थे तो जनता की सपा का झंडा अशोक जी बीच में या ब्रजभूषण सिंह संत है, कौन संत है? और जो इनके हरदोई के इनके विधायक और सुल्तानपुर के विधायक ने 80 ठाकुर अपराधियों की लिस्ट भेजी थी जो भाजपा के अपराधी हैं, वो कहाँ है? उनपे क्या कार्रवाई हुई? और मैं पूछ रहा हूँ एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि आज भी देश में हत्या पे, लूट में और अपहरण में, यौन अतिचार के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है। क्या कंट्रोल किया इन्होंने? भ्रष्टाचार 35% बढ़ चुका है, 25% साइबर क्राइम बढ़ चुका है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। देश में अव्वल अपराधियों में आज भी उत्तर प्रदेश है, और यही नहीं अपराध के मामले में सरकार भी आगे बढ़ गई है।
सरकार स्वयं अपराधियों का काम कर रही। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में साबित हुए, सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में खत्म हो रहा है, सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में खत्म हो रहा है कपिल भाई। आप मुझे बताइए ये अपराधीकरण है कि नहीं है पुलिस प्रशासन? जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए, जब कोई गुंडा मारा जाता है तो ये दशरथ खिलाफ करने लगते हैं, ये कहते हैं पुलिस जाति कर रही है। पुलिस क्या करेगी, ये वही पार्टी है ना, जब ये जाते थे तो। ठीक है, मानवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए डुगडुगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मानवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये संपत्ति है और उसको कुर्क किया जा रहा है। बाकायदा ढोल बजवा करके ये सूचना दी जा रही है कि ये संपत्ति अब कुर्क की जा रही है और ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है। अतीक अहमद के पिता और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर ये संपत्ति है और ये 13 बीघे का लगभग बाग है, बड़ा बाग है। बबूल के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसपीसीडी पहुंच चुके हैं, राजस्व विभाग के प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो जमीन है उसको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इसकी अनुमति दी है डीएम ने इसको कुर्क करने की, तो थोड़ी देर में कुर्की की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन कार्रवाई लगातार जारी, और जिस तरह से तमाम संपत्तियों को चिन्हित किया गया था उसके बाद ये संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो एक दिन में किसी माफिया के खिलाफ हो रही है। 1,28,00,00,000 रुपए इस संपत्ति की कीमत है और ये बड़ा बाग है, इसमें नाला भी है, तमाम जो है यहाँ पर पेड़ भी देखे जा सकते हैं। तो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो ये बबूल का बाग है और अब इसकी कुर्की हो रही है। आप देखें तो पुलिस के अधिकारी जमीन जो है उसको चिन्हित कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्व विभाग के लोग हैं, एसपी सिटी यहां पर मौजूद हैं और कार्रवाई का दौर जो है वो लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो 5 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अतीक अहमद की, और ये संपत्ति मिलाकर के 6 अरब से ज्यादा की केवल कुर्की की कार्रवाई हो जाएगी। पीडीए ने जो डिमोलिशन किया है उसकी गणना अलग है, उसको मिलाकर के लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए की कार्रवाई अकेले अतीक अहमद और अतीक अहमद के आईएस 227 जो गैंग है, इंटरस्टेट 227 उसका नंबर है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो प्रयागराज में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई किसी एक दिन में जो हुई है वो यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी कार्रवाई आगे होगी, और भी तमाम संपत्तियां हैं जिसको चिन्हित किया गया है। कुछ ऐसी संपत्ति है जिसके लिए डीएम के यहां आवेदन दिया है पुलिस विभाग ने कि उसको उनकी संस्तुति मिल जाए तो उस पर भी कुर्की की कार्रवाई हो। तो देखिए, पुलिस की टीम है ये, पहले उन्होंने इस एरिया को चिन्हित किया है, इसको देखा है और उसके बाद अभी थोड़ी देर में वो जो बोर्ड आया है उसको जमीन में लगाया जाएगा और ढोल तो बजी रहा है और सूचना दे दी जाएगी कि ये संपत्ति अब राजस्व विभाग की संपत्ति है और इस पर अब कोई दखल नहीं दे सकता, किसी का हक नहीं है इस पर, क्योंकि ये संपत्ति अब राज्य की संपत्ति का हिस्सा हो गई है। तो बड़ी संख्या में पुलिस ठीक है मामले कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ये माफिया अतीक अहमद के खिलाफ देखने को मिला है। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल ये कि कौन सी कानूनी पचड़े हैं जिसकी बात कपीश जी भी कर रहे थे, कहां पर पुलिस के हाथ बन जाते हैं इन बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने में? देखिए, पहली बात तो इसमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव बहुत आवश्यक होता है। जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से डायरेक्शन नहीं होगा, फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा जिला प्रशासन को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, पुलिस को, नगर निगम को, कि ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करें, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है। सारे लैंड रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, कहां पर जो है वो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया है, कहां पर बड़े बड़े चक काटे गए हैं और किनकी ओनरशिप है, जिनकी ओनरशिप है उनकी हैसियत है कि नहीं है इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को क्रैक करने की, उनको बनाने की। ये सब एक जटिल प्रक्रिया है जिसके तहत कार्य चल रहा है और मैं समझता हूं कि इसके नतीजे धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। बहुत से पब्लिक वाले भी गोपनीय सूचनाएं पुलिस को, प्रशासन को, डीएम को, एसएसपी को, सबको देना प्रारंभ कर देते हैं कि ये भी एक संपत्ति है। जब उनको इस बात का विश्वास हो जाता है कि प्रशासन उस पर एक्ट करेगा और उनके द्वारा दी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, तो ये कार्रवाई होती है। और बहुत से जो
संपत्ति कुड़क हो रही हैं वो गैंगस्टर्स एक्ट के तहत हो रही हैं, और इन सबको जब लोग देखते हैं, क्रिमिनल्स देखते हैं चैनल्स के ऊपर, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है इसका जो है वो इसकी एक प्रतिक्रिया होती है और उनके मन में एक डर बैठता है कि जब इतने बड़े बड़े माफियाज की का ये हश्र हो रहा है तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो मैं इसके बहुत दूरगामी परिणाम मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लिए होंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार अरविंद जी परिणाम दिखने भी लगे, इसीलिए बाबा के बुलडोजर की चर्चा पूरे देश भर में हो भी रही है। अशोक जी एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। कपिल जी ने कहा कि बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से माफियाओं के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक छोटा सा जवाब उसके बाद कपिल जी आपके पास आएंगे। देखिए आपको बता दें कि चाणक्य ने कहा कि सत्ता का भय होना चाहिए, जैन साहब ने कहा कि सत्ता का हस्तक्षेप अगर होगा तो इस तरह के अपराधी अब जो है बढ़ते फूलते रहेंगे। अगर सत्ता ने फ्री हैंड दे दिया, योगी जी ने फ्री हैंड दे दिया, अपराधी चाणक्य की कही बात पर हमने भी अमल किया कि सत्ता का भय होना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो रहा है, अपराधी मुक्त हो रहा है। बड़े अपराधी के साथ ही होगा तो छोटा कपिल जी छोटा सा रिएक्शन, समय बहुत कम है। मित्र इन्होंने जवाब नहीं दिया, हम तो निरुत्तर है। लेकिन जहां तक जैन साहब का प्रश्न, मैं एक चीज बहुत आराम से आपको बता दूं कि जहां बेनामी संपत्ति का मामला होता है वहां कब्जे का मामला है। हर अपराधी दूसरी चीज, अरे भाई सुन तो लो, आपकी बात का नहीं जवाब, आप तो पीड़ित को समझेंगे ही नहीं कि आपको क्या कहें। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, जो चेन ऑफ टाइटल्स होती है उन्हीं के आधार पर कब्जा साबित होता है कि वो आबादी पर है कि नहीं, उसके लिए केवल खसरा का रिन्यूअल पे ही साबित हो जाती है चीजें। और लेखपाल से लेकर के सात चैनल, ठीक है कपिल जी समय चुकी कम है, आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज माफिया अतीक अहमद पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला, पिछली सरकारों में इस तरह का एक्शन आखिरकार क्यों देखने को नहीं मिलता था, इसका जवाब भी जानने की कोशिश की। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, आरोप कभी सरकार पर लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, तो कभी सरकार की तरफ से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा जाता है तब इस तरह का एक्शन देखने को भी मिलता है। फिलहाल खबरें लगातार जारी, न्यूज स्टेट पर रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन लौटे।